मेरे सम्मानीय और स्नेही मित्रों, आप सबों का इंडियन लीगल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही अभी चल रहे शुभ त्योहारों पर हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज का विषय है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के ऊपर एक नज़र डाल रहे हैं। दोस्तों, दरअसल आज विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती मानव अधिकारों का संरक्षण का है। मानव जाति शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न एवं आतंकवाद से इस कदर पीड़ित है जिसका कोई सीमा नहीं है। समय अनुसार संसार के राष्ट्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मानव अधिकार के संरक्षण के लिए मैग्नो कार्टा, ब्रिटेन बिल ऑफ राइट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मानवाधिकार घोषणा पत्र संयुक्त संघ जारी किए, लेकिन जनसाधारण के लिए मानवाधिकार आज भी मृग तृष्णा जैसे है। भारत के लोगों के सामने सबसे बड़ी वह जटिल समस्या सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने की है। हर एक कदम पर वह तिरस्कृत, असुरक्षित तथा उत्पीड़ित है। आज मनुष्यों पर जितने कहर इन दिनों ढाए जा रहे हैं, उतने शायद पहले कभी सुनने को भी नहीं मिले। आए दिन भारतीय नारी अपहरण, व्यापहरण, दहेज उत्पीड़न तथा बलात्कार जैसी घटनाओं की आग में झुलस रही हैं। नारी की रक्षक पुलिस स्वयं नारी का उत्पीड़न कर रही है। राजस्थान के जयपुर शहर का गुर्दा प्रत्यार्पण कांड मानवाधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। गुजरात के नाड़ियाड़ के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट तथा बिहार के भागलपुर जिला के अपर जिला एवं सन्न न्यायाधीश के साथ पुलिस का तथाकथित अभद्र व्यवहार न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर तथा गरिमा पर बहुत बड़ा आघात है। आए दिन मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं और प्रसंविधाओं के मसौदे के परिपालनार्थ संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 प्रस्तावित किया। इस अध्यादेश को अधिनियमित करने के उद्देश्य से लोकसभा में मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 1993 प्रस्तुत किया गया तथा यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। यह विधेयक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से प्रवृत्त हुआ। यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन है जिसमें भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, जिसमें मानव अधिकारों के संरक्षण करने के साथ साथ मानव अधिकार संरक्षण के माध्यम से पीड़ित नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाना है। जिस अधिनियम में मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्यों के मानवाधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपका उत्तर हाँ में है तो मेरे लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त, लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।